हिंदू राष्ट्र लाओ और नेपाल बचाओ इस नारे के साथ यहाँ पे लोग जो है जुट हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है। इसी को लेकर सारे लोग यहाँ पे एक दिन के भूख हड़ताल पे यहाँ मौजूद है। आइए इस मसले पे और जानकारी लेने के लिए हम बातचीत करते थे। जिस तरीके से आप यहाँ पे नारे लगा रहे हैं हिंदू राष्ट्र लाओ नेपाल बचाओ, क्या वजह है कि इस तरीके नारे के साथ आप यहाँ एकजुट हुए? हमारे देश में जो संविधान लिखा गया है नेपाल में, वो हिंदू राष्ट्र को ख़त्म कर दिया गया है, वो धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है। इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र लाए और नहीं, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं लाएंगे हम उनका पुतला फूकेंगे। वो प्रधानमंत्री का पुतला फूका हमने, हम लोगों ने, सब जनता ने, भारत जनता ने और हिंदूवासियों ने और ये अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष उसके पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय के पी ओली बाबूराम पौड़ेल बाबूराम पौड़ेल रामचंद्र पौड़ेल जो रामचंद्र पौड़ेल जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ये सब मिलके चार घंटे में संविधान बना के हिंदू राष्ट्र को ख़त्म किया है और इन्होंने देश को डॉलर में बिक्री कर दिया है। इसीलिए हम लोग यहाँ में उतर गया है और हम उतरेंगे, आगे सारा जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, विश्वभर हिंदू एक होकर लगेंगे और भारत सरकार से हम ये आह्वान कर रहे हैं, ये समाचार पहुँचाने चाहते हैं भारत सरकार को। हमें ये हिंदू राष्ट्र, संपूर्ण हिंदू मिलके, विश्व का हिंदू मिलके एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, उसको बचा रखें। इस नारे के साथ कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ यहाँ पे सम्मिलित हैं? श्री श्री 1008 बाबा कालिदास है और शिवसेना, महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के अध्यक्षता कर रहे हैं मिस्टर मास्टर थापा जी हैं और इसके रविशंकर प्रसाद दूरसंचार मंत्री से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और विश्व हिंदू परिषद ने भी आश्वासन दिया है, आरएसएस ने भी मुझे आश्वासन दिया है मेरा बातचीतों में। इसीलिए सारे संपूर्ण हिंदू भाई हमारे साथ है, ये हम हिंदू राष्ट्र कायम कराने के लिए हम लोग सब लागे हैं और इसको करा के छोड़ेंगे। देखा जाए तो काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि इस मांग को लेकर आप काफी लंबे समय से यहाँ दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, क्या लगता है कि कब तक आप किस मांगों पे ध्यान दिया जाएगा? जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक मैं हमारा जारी कंटिन्यू लगातार चलते रहेंगे, जब तक सरकार ध्यान नहीं देती है तब तक हम लोग जारी रखेंगे, विश्व भर चालू रखेंगे। तो यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि इन्हें हिंदू राष्ट्र लाओ नेपाल बचाओ इस नारे के साथ यहाँ पे कई लोग एक दिन के भूख हड़ताल पे मौजूद है और जब तक इनकी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक ये लोग इस तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। मैं जॉर्ज सिंह कैमरा पर्सन अंकित के साथ मुंसिफ टीवी दिल्ली।